नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बहुत डिमांड है मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू को लेकर के। मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू दो क्लासेस हो गई हैं। बहुत से बच्चे जो है कमेंट में कर रहे हैं, सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, सर मेरा इतना परसेंट है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो 75 के ऊपर वाले कमेंट कर रहे हैं, जिनका 75-72% बन रहा है मिल्क सुपरवाइजर में और भी इंटरव्यू होना है, तो ये मान के चलो कि उनका बिल्कुल श्योर है, होने के चांस बिल्कुल हैं और होगा। अगर इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो सो फार गुड है। जितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उतना अच्छा होने का चांस रहेगा इंटरव्यू में मिल्क सुपरवाइजर में, और मिल्क सुपरवाइजर की जॉब अच्छी भी है। हम मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू पर दो क्लासेस ऑलरेडी दे चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास देखिए, मैं आपको बता दूं, सफलता तभी मिलेगी जब आप मन से उसे करेंगे। तो मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू हो, आगे लगा है मिल्क। मिल्क मतलब दूध, तो दूध से जितनी संबंधित बातें हैं वो सारी आपको आना चाहिए, सारा आना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी क्लास है मेरे बच्चों मिल्क सुपर वाइजर की। चलिए देखते हैं। देखिए दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दूंगा, आप उसको जो है नोट कर लेना, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा। लगभग हर 2-3 दिन पे आपको इंटरव्यू क्लास मिलेगी। आप देखिए शुगर केन, पिछले साल जो शुगर केन हुआ था उसकी इंटरव्यू की क्लासेस जो है मैंने प्रोवाइड की थी। आप चैनल पर जाइए स्टडी विद नीरज सर और उस पर देखिए, लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार लोगों ने इंटरव्यू की क्लास देखी है। 10-10, 20-20 हज़ार लोगों ने इंटरव्यू की क्लास शुगर केन की देखी है और उससे कई क्वेश्चन फंसे भी हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन इसके बाहर से ना आए, जो भी आए इसी से पूछा जाए। बाकी मैं एक डीपली आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूध में वसा की माप, दूध में वसा की माप जो है किससे की जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ग्लूकोरोमीटर से की जाती है, ठीक है, पशुओं में कैल्शियम की कमी से जो है क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न जो है पशु संबंधित, जो है गाय से संबंधित, भैंस से संबंधित या बकरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में, इतना ध्यान रखना। देखिए जितना अच्छा इंटरव्यू होगा उतने अच्छे चांसेस आपके बनेंगे। देखिए दूध में वसा की माप ब्यूटायरोमीटर से की जाती है, किससे, ब्यूटायरोमीटर नामक एक यंत्र होता है उससे की जाती है। पशुओं में कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, दुग्ध ज्वर उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए ये सबको पता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सबको पता होता है। देखिए एग्जामिनर जो होता है वो लगभग उसके अंदर जितने बेसिक प्रश्न होते हैं, जैसे अभी आपसे इंटरव्यू लेने कहा जाए तो आपके अंदर जो बेसिक प्रश्न होंगे वो आप रखेंगे, तो एग्जामिनर भी बेसिक प्रश्न रखेगा जो सबको पता होते हैं। ठीक, ये पता करने के लिए क्या ये बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं पता है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के पिता, ठीक है, देख लीजिए श्वेत क्रांति के पिता, ठीक, ये कौन है, ठीक, तो ये श्वेत क्रांति के पिता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये सबको पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक, वर्गीज कुरियन ये आप लोगों को पता हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा, पशु के दूध में पानी होता है उसकी मिलावट का पता लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। इससे किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है मेरे बच्चों। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेना है, पीडीएफ सेम डिप्टो पीडीएफ आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भैंस के दूध में, देखो भैंस के दूध में अगर गाय का दूध मिला दिया जाए तो एक किससे पता चलेगा कि भैंस के दूध में गाय का दूध मिला है, वो कहलाता है हंसा परीक्षण। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, हंसा परीक्षण के द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाया गया है। आगे देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, ठीक है,
एक बेसिक क्वेश्चन और है, या क्वेश्चन चाहे एजीटी का एग्जाम हो, चाहे गन्ना का एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, ये पूछा जरूर जाएगा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए, खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता है, ये सबको पता है, लेकिन बेसिक प्रश्न है, एक आंसर अगर आप दोगे तो एग्जाम में समझेगा हाँ इसको कुछ आता है। ठीक है, गाय की दुधारी नस्लें साहीवाल। अब गाय की दुधारू नस्लें कौन सी है? साहीवाल है, सिंधी है, गिर है और देवनी, ये जो है दुधारू नस्लें हैं गाय की। ठीक, आगे देखिए, सबसे अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय है साहीवाल। दूध देने वाली जो सबसे अधिक दुधारू गाय है वो साहीवाल है। साहीवाल गाय का जन्म स्थान है मोंटे गोमरी। साहीवाल जो गाय है उसका जन्म स्थान है मोंटे गोमरी, जो पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान में है। गिर गाय का जन्म स्थान है काठियावाड़। कहाँ है? गिर गाय का जन्म स्थान काठियावाड़ है, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस विदेशी गाय के दूध में वसा सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, किस विदेशी गाय के दूध में वसा सबसे अधिक होती है? तो वो है जर्सी। विदेशी गाय है, वसा होती है 5.5%, ये वसा पाई जाती है। विदेशी नस्ल में सबसे अधिक दूध किस गाय में होता है? तो देखिए, होल्स्टीन फ्रिजियन, इसमें सबसे अधिक जो है दूध वाली गाय है। भैंस की सबसे भारी नस्ल क्या है? जाफराबादी। क्या है? जाफराबादी है भैंस की सबसे भारी नस्ल। ठीक है, मुर्रा भैंस का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली है। दिल्ली है। और शहरों में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल को क्या कहते हैं? मेहसाना। जो शहरों में जो भैंस पाई जाती है उसे जो है हम कहते हैं, जो नस्ल पाई जाती है उसे कहते हैं मेहसाना। ठीक है, देखिए, एग्जामिनर एग्जामिनर के सामने आप बिल्कुल आराम से बैठना है। मिल्क सुपरवाइजर वैकेंसी 2016 की है, इतना आप समझ लीजिए, 2016 की है। बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, किसी का किस में हो गया होगा, किस में हो गया होगा, तो ये चांस बहुत अच्छा है। जो भी इंटरव्यू पास करेगा उसके लिए बहुत बढ़िया चांस है मेरे बच्चों, और सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है। इंटरव्यू क्लासेस बिल्कुल आप देखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।